हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए मैं अभी ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन के लिए रीडिंग करने वाली हूं। जानेंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसा फील कर रहे हैं, आगे चलकर आपके पर्सन का क्या एक्शन हो सकता है, और अभी करंट चैलेंज क्या है आपकी इस जर्नी में, और डिवाइन आपको किस तरह से गाइड करना चाहेंगे इस कनेक्शन के लिए। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं हमेशा की तरह आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस है ये रीडिंग। जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। We have Fem Foundation, Four of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, Passion Ignited, Number One, Aries, Leo, Sagittarius, Mental Conflict and Intuitions, Master Number 22, Gemini, Libra, Aquarius and Virgo, could be Scorpio, yeah, Rejoice and Celebration number 3, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 number hai yahan par, increasing order mein, okay, kya chal raha hai is person ki life mein, right now, aap logo ko achha nahi lagega ye sunkar, बट येस आपकी पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहा है मुझे। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो, आप लोग हर किसी को ना अपने पर्सन के बारे में पता है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, क्योंकि आप उनकी वाइब्स गेट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि थर्ड पार्टी वर्क है या फिर कोई और पर्सन है। बट मुझे तो इस केस में यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे तो दोनों ही चीज़ें दिख रही हैं। मुझे वर्क भी दिख रहा है और मुझको थर्ड पार्टी भी दिख रही है। आपके पर्सन राइट नाउ बहुत दुविधा में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, क्योंकि एक तो ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जो कि इनको करना भी चाहिए, ये बनता है इनका, ठीक है, कि अपने वर्क को अच्छा करें, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएं। पर ये थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट्स इनके ना पेंडिंग है जो इनको रिलीज करने हैं। तो इसलिए ना आप बिल्कुल भी टेंशन में मत आना कि थर्ड पार्टी है अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम कभी भी गिव अप नहीं करते, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव करते हैं। अगर उनके पर्सन किसी और के साथ खुश हैं तो वो तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। अगर आप इस लेवल तक प्यार करते हैं, ठीक है, कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है, आपको इस बात पर पूरा यकीन है कि आपका यूनियन तो होना ही होना है, क्योंकि थर्ड पार्टी का आना एक ट्रिगर के साथ आती है। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ लेसन सिखाती है, और कार्मिक अकाउंट्स तो क्लियर करने ही होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को। तो आपको तो अपना सोचने का नज़रिया भी बहुत बड़ा करना पड़ेगा। इस थर्ड पार्टी को भी आपको बहुत एक बहुत बड़ी एक समस्या समझना नहीं है आपको। आपके लिए ये होना चाहिए, आ गई कोई बात नहीं, चली भी जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन को इन फेजेस से गुजरना ही पड़ेगा। और ये मुझे तो ये प्रोसेस में दिख रहे हैं, जो प्रोसेस इनको फॉलो करना है वही कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये वहाँ से अपनी एनर्जी ही क्लियर कर आएंगे आपके पास। क्योंकि एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो आपको ये जान के खुशी होगी या क्या मिलेगा आपको, आई डोंट नो, बट आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो देख लो कैसा कन्फ्लिक्ट इसके दिमाग में आया हुआ है, परेशान है ये, पीस नहीं है इसके पास थर्ड पार्टी में है। तो इसका रियल इंडिकेशन एकदम, अगर मैं सीधा साधा एक इसमें एक इसका एक कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो यही है कि इसके पास थर्ड पार्टी के साथ मेंटल कन्फ्लिक्ट है। और इस कन्फ्लिक्ट को तो ये ख़त्म करेंगे ना, ख़त्म कैसे करेंगे, वहाँ से एनर्जी क्लियर कर आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, और देन अपने इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे। इंट्यूशन और वाइब्स एनर्जी किसके साथ कनेक्ट होती है, आपके साथ, क्योंकि ये पैशनेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, तो ये आएंगे आपके पास ही। तो अभी ये कुछ न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाले फेज में थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे ये, और यही होना है यहाँ पर।
आपके लिए क्या सोच रहे हैं, मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। अब आप इसकी विशेज हैं, आप इसके इसकी वो अबंडेंस हैं जो से कंप्लीट करती है, आपके लिए सोचते ये हैं ये। और क्या बोलूँ मैं, स्पिरिचुअल यूनियन यही चाहते हैं ये आपके साथ। बट परेशान है, कंफ्यूज्ड है, वो कंफ्यूजन भी धीरे धीरे दूर होगी, थर्ड पार्टी से मिलकर ही दूर होगी, क्योंकि डिफरेंसेस ही तभी पता चलेंगे आप में और दूसरे लोगों में क्या है आपकी वैल्यू। ओह माय गॉड, ये यही चाहते हैं आपके साथ, पार्टनरशिप हो, ये दोनों हाथ, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें और हाथ पकड़ कर ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएं। ये पार्टनरशिप चाहिए, अलायंसेस मीन्स आपके साथ शादी करनी है, इसको पार्टनरशिप बनाना है। ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, इसको लेकर टेंशन मत करना, क्योंकि जो आपके लिए थिंकिंग है, जो फीलिंग्स हैं, वो इनके लिए नहीं है, इनके साथ तो मेंटल कन्फ्लिक्ट है। इवन हो सकता है कि ये अभी बहुत पैशनेट हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, खुशियाँ दिख रही है इसको, ठीक है, एक अच्छा इसका टाइम कटेगा, लेकिन इसको भी समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है थर्ड पार्टी में और आप में। तो प्यार पे अगर भरोसा है ना आपको अपने, और इस कनेक्शन पर, अपने पर्सन पर और खुद के प्यार पर अगर विश्वास है, तो फिर अलग ही एक नज़रिया बन जाता है सोचने का। टेंशन आपको ये जो भी कर रहे होंगे ना, अगर इनको वो करके खुशी मिलती है, तो आप इनके लिए खुश होंगे, और इनके लिए दुआएं ही निकलेगी आपके मुंह से। सच्चा प्यार तो ऐसा ही होता है, सच्चा प्यार कभी एक दूसरे को कोसता नहीं है। बहुत सफ़र कर रहे हैं ये अकेले में, आपके साथ नहीं है तो बहुत सफरिंग है इसकी लाइफ में, वो तो होगी ही, क्योंकि आप दोनों जब तक एक दूसरे को मिलोगे नहीं तो कंप्लीट नहीं होगे। लाइट आप ही हैं, इसकी विशेस, इसकी ज़िंदगी में लाइट आप ही हैं सर। और आपके लिए एक ऑब्सेशन है, ठीक है, टेम्पटेशन फीलिंग्स यहाँ पर कार्ड है यहाँ पर, तो ये ऐसा आपके लिए तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एक तड़प है, ठीक है, एक लत मैं कह सकती हूँ यहाँ पर, ये चीज़ें हैं आपके लिए, इसलिए ना आपको कभी नहीं भूल सकते। तो यस, ये आपके लिए ही, ये आप आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ ये सपने देखे हैं इसने, आपके साथ इसको पार्टनरशिप बनानी है, आपके साथ इसको यूनियन करना है, ये इसका दिल कहता है इसे करने के लिए। दिल की तो सुननी पड़ेगी एट द एंड, कहाँ जाएंगे ये। चलो, क्या चैलेंज आया हुआ है इस जर्नी में, चैलेंज देख लेते हैं एक बार। चैरियट ये रिवर्स में है कार्ड, ये आ नहीं सकते, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं अभी, या फिर विधाता ने ही यहाँ पर अभी कुछ सेपरेशन रखा हुआ है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी रोल प्ले कर रही है। अगेन स्टार का कार्ड आ गया। देखो, स्टार का मतलब पेशेंस भी होता है, ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। और देखते हैं और क्या आता है चैलेंज। यस यस गाइस, ये किसी सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो यस, इसकी अभी आंखों पे पट्टी है, ये पट्टी धीरे धीरे खुलेगी, ठीक है। अभी फिलहाल डिवाइन यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और डिवाइन टाइमिंग तक तो शायद अभी कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पर्सन अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, तो इसको टाइम की ज़रूरत है। इसको एक्सप्लोर करने दो, करने दो इसको, इसके हाल पे छोड़ दो, इसको आना आप ही के पास है। क्लियर, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। नेक्स्ट एक्शन का कार्ड मैं निकालती हूँ, क्या एक्शन लेंगे ये पर्सन। थ्री ऑफ कप्स, अभी पता चलेगा। हर्मिट, ओ माय गॉड, नेक्स्ट एक्शन बहुत अच्छा निकल कर आया। मुझे थर्ड पार्टी वाला कार्ड देखकर, ये थ्री ऑफ कप्स कार्ड देखते ही मुझे थर्ड पार्टी की वाइब आई थी, बट ये कार्ड देखकर अब मैं खुश हुई हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर लेंगे आगे चलकर। कंग्रेचुलेशंस, आगे चलकर ये ब्रेकअप कर लेंगे, बिकॉज ये मुझे अकेले दिख रहे हैं और ये रिग्रेट में भी दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ इसको अपनी कमियाँ, कुछ इसका रूड बिहेवियर इसको समझ में आने वाला है आगे। इंटरेस्टिंग। और फिर ये थोड़ा टाइम के लिए ना डिस्कनेक्ट भी हो जाएंगे लोगों से, आपसे, इसको थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना होगा खुद को और गहराई से जानने के लिए।
और फिर ये एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी होंगे। और न्यू बिगनिंग तो गाइस होनी तो आप ही के साथ है, चीज़ें मैं क्लियर देख पा रही हूँ ये सब यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स आप दोनों को एक करेंगे इस न्यू बिगनिंग में, एक न्यू साइकिल आपके साथ इस पर्सन की शुरू होगी। यस, ये अच्छी बात है, खुश हो जाओ, टेंशन लो ही मत गाइस, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ये डिवाइन कनेक्शन है, ये टफ होता है लेकिन ये प्योर होता है। नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है नियर फ्यूचर में, न्यू बिगनिंग होगी ठीक है नियर फ्यूचर में। एंड नाउ नो नीड टू वरी, ये नो है, नो नीड टू वरी ठीक है, बिकॉज नियर फ्यूचर में आपका, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आस्क योर एंजल्स, तब तक के लिए एंजल से पूछते रहें, दुआएं मांगते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें, ये चीज़ें आपको करनी है ठीक है। और कोई नई डायरेक्शन भी चूज करने की कोशिश करें, ये काम आपको करना है ठीक है, ये आप कर लेना, टेंशन फ्री होके करना। यू नेवर गिव अप ऑन मी, इसको पता है कि आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने इसको एक बेटर पर्सन बनाया है। एंड यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, इसको पता है कि आप हमेशा इसके लिए विश करते हैं, इसकी सक्सेस के लिए विश करते हैं ठीक है, ये बात इस पर्सन को पता है। तो गाइस दिस इज योर रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।